हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं इस कैक्टस की, मैमलेरिया कैक्टस। ये मैमलेरिया की फिश हुक वैरायटी है। इसमें येलो कलर का फूल आते हैं और जब इसमें फूल आते हैं तो पूरे में ही ये क्लस्टर टाइप का बन गया है और हर एक ब्रांच में फूल भर जाते हैं। पूरा येलो कलर का दिखता है। ये बहुत ब्यूटीफुल कैक्टस है और ये कैक्टस मेरा काफ़ी पुराना कैक्टस है। बहुत खूबसूरत है। इसका नाम फिश हुक कैक्टस इसके कांटों के वजह से दिया गया है। इसको अगर मैं फोकस करूँगा तो आप देखेंगे कि इसके कांटे फिश के हुक की तरह हैं, इसलिए इसे फिश हुक कैक्टस कहते हैं। वैसे ये मैमलेरिया की वैरायटी है। मैमलेरिया एक बहुत बड़ी फैमिली है कैक्टस की, जिसमें बहुत सारे कैक्टस आते हैं, फ्लावरिंग कैक्टस, और ये उन्हीं में से एक है। इसमें येलो कलर के फ्लावर आते हैं। विंटर में इसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती है, बल्कि ग्रोथ रुक ही जाती है इसकी लगभग। इसको हम सनी लोकेशन, सूरज के सामने अगर रखें ज़्यादा टाइम तो ये ख़राब नहीं होते हैं, और इसमें पानी बिल्कुल लगभग ना ही दें। जब एकदम सूख जाए, महीने में एक से दो बार इसमें पानी दिया जाए तो ये आराम से सर्वाइव करेंगे और मार्च तक इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अगर इसके प्रोपोगेशन की बात करें तो बहुत इजी है। इसके एक ब्रांच को हम, या पप कह सकते हैं, निकाल के, इस पप को निकाल के हम किसी भी कंटेनर में इजीली ग्रो कर सकते हैं और ये लग जाएंगे। इनकी एक ही रिक्वायरमेंट है कि इसमें पानी ना डाला जाए। ज़रूरत से ज़्यादा पानी पड़ने पे फंगस अटैक हो जाता है और ये गल जाते हैं और फिर ख़राब हो जाते हैं। इनकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। इसमें सैंड, रिवर सैंड ज़्यादा हो, पर लाइट कोको पीट हम ले सकते हैं ताकि सॉयल एकदम वेल ड्रेन हो, तो हम इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। प्रोपोगेशन की बात हो गई, बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। अगर तो विंटर में तो इसको किसी भी तरीके के फर्टिलाइज़र की कोई नीड नहीं है, बट हम इसमें मार्च तक या फरवरी एंड से DAP फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। मेरे प्लांट में तो बहुत अच्छा रिजल्ट है DAP का। और फ्लावरिंग के टाइम पे इसमें थोड़ा सा बोन मील अगर डालते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। NPK 19-19-19 का यूज़ इसमें करें तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग ये देता है। इजी टू केयर, इजी टू मेंटेन कैक्टस है। अच्छी फ्लावरिंग, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अभी विंटर है तो इतना उसका कलर नहीं है, नहीं तो ये पूरा कंप्लीट डार्क ग्रीन कलर के होते हैं और इसके ऊपर रेड कलर के इसके थ्रोन है। बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छा कैक्टस है। ये मेरा एक कैक्टस है जिसको मैंने ग्राफ्ट किया है। ये ओपुंटिया की एक वैरायटी है, उसी के ऊपर इसकी दूसरी वैरायटी बनी ईयर कैक्टस को ग्राफ्ट किया है और ये बहुत अच्छे से चल रहा है।